कब तक भागोगे बिहार के लोग ट्रक में भर भर के, कब तक भागोगे, कब तक भागोगे? इससे भी ज्यादा बुरा समय आने वाले है बिहारी लोग, अभी भी समझ जाओ। जात पात के नाम पे वोट डालते हो ना, आज तो समझ में आ ही रहा होगा ना बढ़िया से। यादव है तो हम यादव के वोट डालेंगे, और दलित है तो हम दलित के वोट डालेंगे, और राजपूत है तो हम राजपूत के वोट डालेंगे। यही कर रहे हो ना इतने साल से, अब तो समझ में आ रहा होगा ना। अगर कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो ये बिहारी परेशान है, समझो कि नहीं। कोरोना वायरस तो हो नहीं रहा है बल्कि मगर बिहारी लोग भूखा मर रहे हैं, अपने अपने दूसरे दूसरे स्टेट से अपना बिहार आने के लिए सोच रहे हैं। मगर ये आप वोट डालते समय क्यों नहीं सोचते हैं कि हम भी बिहार में रहकर हम बिहार में ही कोई काम करें? बिहारियों को कभी गुजरात से मार के भगाया जाता है, क्यों क्यों नहीं खुद से पूछते हो भाई? कभी बिहारियों को असम में हत्या कर दिया जाता है, क्यों नहीं पूछते हो खुद से सवाल कि आखिर होता क्यों है हम लोगों के साथ ऐसा? कभी महाराष्ट्र बिहारियों को मार के भगाया जाता है, मगर आखिर क्यों यार, क्यों नहीं पूछते हो खुद से सवाल? खाली वोट करोगे, 1000 रुपया नेताजी दीजिए और हम वोट करेंगे आफी को, यही कर रहे हो ना। बर्बाद कर रखे हो बिहार के, बर्बाद इस तरीका का वोट कर करके, और ऐसे हरमजादों लोगों को जिता रखे हो आज से 90 से जो जिता रखे हो ना आज तक, ये सारे भड़ुआ मंत्री है, भड़ुआ भड़ुआ गद्दार है। इस देश का क्या दिया है बिहार को? अरे बिहार में पहले एक फैक्ट्री चलता था, ये जो चीनी मिल था वो भी बंद हो गया, क्यों नहीं सवाल पूछते गद्दार मंत्रियों से? क्यों बंद हुआ ये, क्यों बंद हुआ, पूछते क्यों नहीं ये सवाल इन लोगों से? अरे हम लोगों को कभी रोजगार नहीं दिया जाता है तो फिर ये मंत्री जीतता क्यों है? 90 के दशक में हर स्टेट में कंपनी खुल रहा था, तो बिहार के भड़वा नेता लोग, हरमखोर लोग यहाँ जात और पात करने में लगे हुए थे, यादव राजपूत और ब्राह्मण और दलित करने में लगे हुए थे। और हम लोग भी अभी पढ़े लिखे बहुत सारे लोग इतना मूर्ख है ना कि क्या बताएं। अभी भी हम वोट क्या चीज पे देख के डालेंगे कि भाई यादव है तो हम इसी पर वोट करेंगे, राजपूत है तो हम इसी को वोट देंगे, दलित हो तो हम इसी के वोट देंगे। ये हरमखोरियत से कब निकलोगे यार, कब निकलोगे? अरे पूरे देखना, दूसरे स्टेट को देखो कहाँ चल गए। आज एक पंजाब था, पंजाब एक समय में बिहार से पीछे होया करता था, मगर आज पंजाब जो है ना बिहार से 3 दुगना आगे है। आखिर क्यों, क्यों नहीं पूछते भड़वा मंत्री लोगों से सवाल? कब तक मरोगे घुट घुट के? आज अगर लॉकडाउन हुआ है ना तो सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो बिहारी लोग परेशान है। सबसे ज्यादा घरे भागने के लिए तो आ यार कि घर पहुंची और घर पहुंच कर क्या करेंगे, 1000 रुपया लेंगे और यही मंत्री भड़ुए लोगों को वोट देंगे? अरे अभी भी सुधरो यार, जो जात और पात और यादव और राजपूत के नाम पर वोट देते हो। आज कितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं जो यादव के नाम पर वोट देते हो और राजपूत के नाम पर वोट देते हो? कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं बोल, मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? अरे भाई अभी भी थोड़ा सा अगर दिमाग बची हो ना तो अभी भी सुधार लो, अभी भी इन भड़ुए सरकार से सवाल पूछो। आजकल के युवा लोग क्या कहेंगे कि अरे बिहार ने तो चाणक्य के दिया, बिहार ने तो गौतम बुद्ध को दिया, बिहार ने तो अशोक के दिया, बिहार ने तो चंद्रगुप्त को दिया। अरे भाई अभी का वर्तमान समय में का तुम्हारे पास घंटा है, यही लालू और नीतीश है जो बिहार को बर्बाद कर रखे हैं लोग जात पात के नाम पे। अभी भी लोगों को वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों को बुरा लगेगा, अरे लगे तो लगे ना यार, अभी भी वही काम कर रहे हो ना कि यादव है तो पूरा सपोर्ट हम लालू यादव को करेंगे, राजपूत है तो उसको करेंगे, दलित हो तो इसको करेंगे, यही कर करके ना बिहार को बर्बाद कर रखे हो। अरे काहे बिहारियों का टारगेट किया जाता है, क्यों बिहारियों के हर जगह से मार के भगाया जाता है, थोड़ा सा नहीं सोचते हो क्या? और यादव यादव करते हो क्या, आज ये मर रहे हो ना भूखमरी से, क्या घंटा मिल रहा है यादव यादव घंटा दे रहा आपको, क्या दे रहा आपको? अरे अभी भी सुधरो, अभी भी समय है यार, न तो इससे भी बुरा हाल होने वाला है बिहारियों लोगों को। अभी भी सुधरो, सही डायरेक्शन में वोट डालो और सरकार पे दबाव डालो कि हमें भी इंडस्ट्री चाहिए, हमें भी रोजगार चाहिए, हमें भी, हम बिहार में ही काम करना चाहते हैं, सरकार पर आवाज उठाओ। और नहीं देता है ऐसे भड़ुए सरकार को लात मार के हटाओ, ऐसे सरकार के रखे हो तुम है? थोड़ा सा सोचो ना यार, हम किस स्थान पे हैं, थोड़ा सा सोचो कि हम किस स्थान पे हैं। बिहार में अगर थोड़ा सा बाढ़ आता है तो ये मंत्री गद्दार लोग हाथ पसार देते हैं, सोचो हम कहाँ पे हैं यार। जात पात पे नाम पर वोट दे रहे हो ना, इसी के कारण और इसी की वजह से दूसरे स्टेट में कमाना जाने पड़ रहा है। कभी हम रोजगार के नाम पर वोट नहीं देते हैं, कभी ये नहीं देते हैं कि हमारे भी समाज में, हमारे ही बिहार में फैक्ट्री खुले, कभी इस नाम पे वोट दिए हो? दिल से अपना पूछना, मन से अपना पूछना, बस इस चीज पे वोट देते हो कि जात और पात के नाम पर वोट देते हो? 1000 रुपया लो नेता सो और वोट दो उसको, यही काम कर रहे हो ना इतना दिन से यार। अभी भी सुधरो नहीं तो बुरा हाल होने वाला है, अभी भी सुधरो। देखो दूसरे स्टेट को एक नजर, कहां से कहां निकल गए और हम किस जगह पे हैं, किस जगह पे हैं। हर मजबूरी में हम लोगों को सामना करना पड़ता है, आखिर क्यों?
हर तकलीफ में हम लोगों को सामना करना पड़ता है। आखिर क्यों नहीं खुद को सवाल पूछते हो, क्यों यार? कभी बिहारियों के गुंजराग मारा जाता है, कभी असम में मारा जाता है, कभी महाराष्ट्र में मारा जाता है, मगर आखिर क्यों यार? क्यों नहीं सवाल पूछते खुद से, क्यों? और जल्द ही इलेक्शन आने वाला है, थोड़ा सोच समझ के वोट कीजिएगा, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। क्यों बिहार को बर्बाद कर रहे हो यार, क्यों जात पात के नाम पर क्यों बर्बाद कर रहे हो? अभी भी इलेक्शन आ रहा है, थोड़ा सोच समझ के वोट कीजिएगा, और जो आपको रोजगार और जो आपको कंपनी और आपको बिहार में ही रोजगार नहीं देता है, वो ऐसे मंत्री को लात से मार के हटाइएगा, यही मैं आपसे कहता हूँ। या किसी जात का हो, यादव हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, तेली हो, कोयरी हो, कोई भी हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर वो विकास पे ध्यान नहीं देता तो उसको जूता से मारिएगा ऐसे मंत्री को, समझे कि नहीं? अब अभी भी लोग जो जात पात में बैठे हुए हैं ना, उनको पास की वीडियो पहुंचाइए, ये आपका फर्ज है। मैं अपना वीडियो बना के और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मगर आपको अंदर थोड़ा सा भी बिहार के लिए प्रेम है तो इस वीडियो का शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार, जय भारत।